नमस्कार फ्रेंड्स, आप लोगों का मेरा यूट्यूब चैनल त्रिभुवन कुमार भारती में फिर से स्वागत है। इस बार मैं बहुत ही दिनों के बाद आप लोगों को फिर से क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले से बताया कि 9 तारीख से मैं स्टार्ट करूंगा और मैं अपने कहे के अनुसार मैं आज से आप लोगों को पढ़ाने के लिए रेडी हूँ और पहला वीडियो मैं आज आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड फर्स्ट पेपर का टीचिंग एप्टीट्यूड का कर रहे थे। टीचिंग एप्टीट्यूड में 2 क्लास ऑलरेडी हो चुका था, मतलब अच्छा खासा चीज़ हो चुका था। अगर आप मेरा पहले नहीं पढ़े हैं तो पुराना वीडियो जाके आप देख लीजिए, टीचिंग एप्टीट्यूड का क्लास 1 एंड क्लास 2। आज जो चल रहा है हम लोग का टीचिंग एप्टीट्यूड का क्लास 3 चल रहा है और आज जो हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। इसके पहले हम जो भी पढ़े थे आप लोग देख लीजिए मेथड्स। अब हम कहीं पे पढ़ा रहे हैं तो कितना इफेक्टिव है, हमारे से स्टूडेंट कितना सीखा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। अब पढ़ाता तो सब कोई है लेकिन क्या सभी का पढ़ाई अच्छा होता है? आप भी सुनते हैं, आप भी कई बार पढ़े हैं लेकिन ऐसा कभी देखे हैं क्या? आप भी बोला करते हैं नहीं ये टीचर बढ़िया है, ये टीचर बढ़िया पढ़ाते हैं, वो टीचर बढ़िया पढ़ाते हैं या ये टीचर घटिया पढ़ाते हैं। हम घटिया किसे बोलते हैं? जिसमें कि हम कंसंट्रेट नहीं रह पाते हैं टीचर के ऊपर। हम घटिया किसे बोलते हैं? जो पढ़ाते हैं और हम एग्जाम में नहीं बना पाते उसके पढ़ाई के अनुसार, वो ख़राब है। मतलब घटिया नहीं कह सकते, कोई टीचर घटिया नहीं होता, मतलब एग्ज़ाम में अच्छा नहीं है। अगर उनके बनाए हुए नोट से, उनके पढ़ाए हुए मेथड से अगर हम सक्सेस नहीं कर पाए मतलब वो अच्छा नहीं है। और अगर टीचर कोई बढ़िया पढ़ाया, ऐसा पढ़ाया कि हम फुल्ली उसके ऊपर कंसंट्रेटेड थे तो हमारा पढ़ाई अच्छा है। मतलब है कि अगर हम जब टीचर बन के जाएंगे, क्योंकि नेट की एग्ज़ाम दे रहे हैं, JRF की एग्ज़ाम दे रहे हैं टीचर बनने के लिए कॉलेज की या यूनिवर्सिटीज की, या मान लीजिए कोई एक टीचर है, मान लीजिए T1 बोले तो त्रिभुवन कुमार भारती 1 गया क्लास में, कोई नया स्कूल ज्वाइन किया या नया कॉलेज ज्वाइन किया, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे वो कुछ दिन पढ़ाएंगे हम तो देखेंगे कि हम जो पढ़ाए वो कितना लेवल तक हमारा सक्सेसफुल है। अलग अलग तरीका अप्लाई करेंगे। आप लोग भी कई सारा स्कूल में पढ़ाते होंगे या कॉलेज में पढ़ाते होंगे तो आपको पता ही है स्टूडेंट को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि हम जो पढ़ा रहे हैं उस पर वो ध्यान दे, सीखे हमारे से, ये हम हर संभव कोशिश करते हैं। क्योंकि हम जितना बढ़िया पढ़ा पाएंगे स्टूडेंट का अट्रैक्शन ले पाएंगे, स्टूडेंट को कंसंट्रेटेड ऑन अस कर पाएंगे, वो उतना ज़्यादा सीखेगा। मतलब आफ्टर द टीचिंग हम लोग जब पढ़ा देंगे कुछ दिन बाद, हम देखेंगे हमारे से स्टूडेंट कितना सीखा नंबर 1, स्टूडेंट का कितना हमारे ऊपर कंसंट्रेशन था नंबर 3, वो कितना ध्यान से पढ़ा करता था नंबर 4, उसमें क्या चेंजिंग आया नंबर 5, चेंजिंग आया तो पॉजिटिव आया निगेटिव आया, क्योंकि निगेटिव भी तो चेंजिंग हुआ। ये सारा चीज़ देखते हैं, उसी के आधार पे हम पकड़ पाते हैं कि हमारा मेथड्स क्या है। तो यहाँ पर और अलग अलग जिस मेथड से उस क्लास में, और एक ही मेथड अगर हम एक ही टीचर हैं अलग अलग क्लास में जाएंगे, अलग अलग स्टूडेंट के ग्रुप में जाएंगे पढ़ाने के लिए, उसमें अलग अलग मेथड यूज होगा, क्योंकि एक ही मेथड हर जगह नहीं लगाया जा सकता। फॉर एग्जांपल आप पढ़ा रहे हैं लिटरेचर, जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, ये सब चीज़ हम लिटरेचर पढ़ा रहे हैं और वहाँ पर लैब में ले जाएंगे, लैब का सामान ले जाएंगे तो नथिंग इज पॉसिबल। वहाँ पर आपको मॉडल ले जाना है, चार्ट ले जाना पड़ेगा, डायग्राम्स ले जाना पड़ेगा, इस ढंग की चीज़ की आपकी जरूरी पड़ेगी, वहाँ पर दूसरा मेथड यूज होगा। वही अगर हम साइंस की चीज़ पढ़ा रहे हैं वहाँ पर सिंपली चार्ट से कुछ नहीं होने वाला, वहाँ पर आपको केमिकल्स वगैरह की जरूरी पड़ेगी, प्रोजेक्ट वगैरह की जरूरी पड़ेगी, मतलब इस डिजाइन का। तो अलग अलग में अलग अलग मेथड यूज होता है। अब कौन सा स्टूडेंट कैसे कंट्रोल होगा, क्या चीज़ पढ़ाने वक्त कैसे लगेगा, ये अब हमारे ऊपर डिपेंड करेगा। और जितना बढ़िया तरीके से जिस माहौल में हम मेथड को लगाए वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो किस सिचुएशन में कैसा मेथड अच्छा रहेगा, कौन सा मेथड अच्छा है, कौन सा मेथड खराब है, किस सिचुएशन में हम किस मेथड को लगाते हैं, यही पढ़ते हैं हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, और वो कितना इफेक्टिव है वो मेथड। अब देखिए फिर से रिपीटिंग, मिस्टर T2 एक क्लास में गए, पढ़ाना स्टार्ट किए, स्टूडेंट सारा बैठा हुआ है, पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दिए जा रहे हैं, समंदर बिछेरे जा रहे हैं उनके ऊपर नॉलेज की, और वो नॉलेज लिए जा रहा है। बाद में फिर कंक्लूड किए और क्लास में है। दूसरा है मिस्टर T3, वो पढ़ाने के लिए गए सेम टॉपिक। अब है क्या कि वो कुछ स्टूडेंट्स को एक अलग अलग काम दे दिए,
मतलब सेम है जैसे पढ़ा रहे हैं, मतलब जो मिस्टर टीटू पढ़ाए थे पॉल्यूशन ऑफ वाटर, मान लीजिए एक चैप्टर है पॉल्यूशन ऑफ वाटर, वो पूरा एकदम ऐसे पॉल्यूशन होता है, वैसे पॉल्यूशन होता है, ये करने से ये होता है, इसको ऐसे रोका जा सकता है वगैरह वगैरह, सब कुछ बता दिए, सब कुछ बता दिए, इवन ज़्यादा बताए। अब मिस्टर टी थ्री जब गए, सेम चीज़ को स्टूडेंट्स को ग्रुप में बांट दिए, सभी को बड़ा सा चार्ट पेपर दे दिए, अब उनको दे दिए सभी ग्रुप्स को कि अब आपको इस पे ड्रॉ करना है, बताना है कि वाटर पॉल्यूशन क्या है, कैसे है और इसको कैसे रोका जा सके। बस हम क्या किए, मतलब टी थ्री आराम से सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो सारा क्या कर रहा है। लास्ट में सब अपना अपना आइडिया, अब पाँच छः का हम ग्रुप बनाए हैं तो सभी में कुछ ना कुछ आइडिया आएगा, न्यू क्रिएटिविटी आएगा, वो उसे ड्रॉ करेगा, वो उसे बनाएगा और लास्टली हमारे पास आएगा प्रेजेंट करने के लिए। जब प्रेजेंट करेगा तो दूसरा ग्रुप जो है और भी अदर ग्रुप्स वो उसे देखेगा, साथ में डिस्कशन होगा। यहाँ पर जितना हम बताए थे हो सकता है थोड़ा सा कम हो, लेकिन स्टूडेंट इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था, स्टूडेंट खुद से सीखा, स्टूडेंट खुद से डिस्कवर किया और आपस में डिस्कशन किया। यहाँ पर सारा स्टूडेंट का फुल्ली कंसंट्रेशन था, लेकिन इसका पहले जो टीटू पढ़ाए थे क्या था, टीटू में पढ़ाते गए पढ़ाते गए पढ़ाते गए इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारा दे दिए, लेकिन स्टूडेंट के पास है क्या, स्टूडेंट पढ़ा कितना, पढ़ा तो सब कोई। हाँ, हो सकता है अगर आप लड़ाकू मारने वाले टीचर होंगे या भयानक टीचर होंगे दहशत फैलाने वाले, हो सकता है स्टूडेंट पूरा का पूरा शांत होगा, लेकिन स्टूडेंट शांत है तो इसका क्या मतलब वो आपसे पढ़ ही रहा है। हो सकता है रास्ते में किसी से झगड़ा करके आया हो, उसके बारे में सोचने लग गया हो, नज़र है आपके ऊपर, नज़र है बोर्ड के ऊपर, लेकिन क्या वो आपसे पढ़ रहा है। हो सकता है किसी का ख्याल आ गया हो, जाता ही है, आप अपनी याद कीजिए जिसमें आप पढ़ा करते थे, अगर कोई ऐसा टीचर थे, अगर आप कंसंट्रेट नहीं होते थे, अगर आपको अच्छा नहीं लगता था, होते तो थे क्लास में, लेकिन क्या क्लास में होते थे हमेशा, कहीं और जाते थे। मतलब T2 और T3 में यही मेन डिफरेंस है, और इसके अलावा और कितना डिफरेंस है आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि पढ़ लिख के ही यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये है T2 और T3 का मेथड। मतलब T2 जो था उसमें फुल्ली कंट्रोल था क्लास के ऊपर, और इस तरह के मेथड को कहते हैं इंस्ट्रक्शनल मेथड या इंस्ट्रक्शन मेथड, ये फुल्ली टीचर सेंटर्ड है। दूसरा जो था वो स्टूडेंट को ऑटोनोमी दे दिया गया, तुम्हें जैसे करना है करो, बस सिर्फ उसके ऊपर नजर रखे, वो आपस में डिस्कशन किया। तो इस तरह के स्टडी को, इस तरह के टीचिंग को स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड कहते हैं। तो अब ये जो दोनों डिजाइन है T2 और T3 का अप्लाई किया हुआ, मतलब इंस्ट्रक्शनल मेथड और पहला इंस्ट्रक्शनल मेथड और दूसरा स्टूडेंट सेंटर मेथड या पुपिल सेंटर मेथड, अब दोनों का अलग अलग टाइप है, हम दोनों को अलग अलग से इलेबोरेट करके देखते हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम में इससे कई सारा क्वेश्चन आता है, यही क्वेश्चन नहीं आता, बस ये कॉन्सेप्ट से आता है। मैं जो आपको बता रहा हूँ इससे 100% सवाल नहीं आएगा, बट कॉन्सेप्ट 100% यही रहेगा। तो आपको इस पर थोड़ा ध्यान से देखना है मेरी बातों को, और ज़्यादा देखिएगा ये सारा चीज़ जो मैं आज बता रहा हूँ, आज शाम तक में ही, मतलब आपको जल्दी ही इसका नोट्स भी मिल जाएगा, तो आप उससे भी देख लीजिएगा बढ़िया से, डिटेल में पढ़ लीजिएगा, नोट्स थोड़ा बड़ा बड़ा है तो कुछ ही दिन ऐसा चलेगा। और जो एजुकेशन सब्जेक्ट के हैं उनके लिए तो बहुत ही मतलब बोरिंग हो रहा होगा, क्योंकि बच्चा वाला चीज़ है, बच्चे दिन से मैं बता रहा हूँ, लेकिन मैं तो लेके चल रहा हूँ सभी को, तो एजुकेशन के अलावा जितना स्टूडेंट है उनके लिए इंटरेस्टिंग होगा, गारंटेड उनके लिए स्पेशल होगा और नया होगा। और एजुकेशन वाले यहाँ थोड़ा सेक्रीफाइस कर लें, क्योंकि आपके लिए बच्चा वाला चीज़ हो गया। नो मूव, फर्स्ट हम लोग जब आते हैं इंस्ट्रक्शनल मेथड जो कि टीचर सेंटर मेथड है, अब इसमें अलग अलग टाइप है, जैसे पहला है लेक्चर मेथड, दूसरा है डिमोंस्ट्रेशन मेथड और तीसरा है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। तो एक एक करके देखते हैं। लेक्चर मेथड नॉर्मली अपने यहाँ इंडिया में जो कॉलेजेज में पढ़ाया जाता है, आते हैं कॉलेज में बड़ा सा हॉल रहा करता है, प्रोफेसर जी आते हैं, आप लोग भी जाइएगा वैसे ही, आप पे डिफेंड करता है, लेकिन आते हैं प्रोफेसर धराधर 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 बताना स्टार्ट, भाषण देना स्टार्ट, भाषण देते हैं, स्टूडेंट क्या सीख रहा है, क्या पढ़ रहा है, नो प्रॉब्लम, नहीं सीख रहा है, स्टूडेंट गया डैश डैश, सीख रहा है बढ़िया है, आगे बढ़ रहा है, इस प्रोफेसर को कोई फर्क पड़ता है क्या इससे। अपने स्कूल में भी जब हम लोग पढ़ाते हैं, बहुत सारे अपने टीचर ऐसे हैं, आप लोग में भी से ऐसे होंगे, गए पढ़ा रहे हैं पढ़ा रहे हैं पढ़ा रहे हैं पढ़ा रहे हैं पढ़ा रहे हैं, और इस ढंग से जो पढ़ाते हैं सिंपली बोल रहे हैं, ज़्यादा हल्का फल्का नोट बोर्ड पे लिखा रहे हैं, स्टूडेंट लोग ध्यान से देख रहा है, कुछ चीज़ नोट कर रहा है, लास्ट में कंक्लूड किए और ख़त्म किए, इस तरह का जो मेथड नॉर्मली जो अपने यहाँ यूज किया जाता है यही लेक्चर मेथड, ये अपने लिए बिल्कुल नया नहीं है, ये बिल्कुल पुराना है। सेकेंड थोड़ा सा नया है,
लेकिन उतना भी नया नहीं है, साइंस वाले के लिए पुराना है और दूसरे सब्जेक्ट के लिए थोड़ा सा नया है, वो है डिमोन्स्ट्रेशन मेथड। इसी को डिमोन्स्ट्रेशन मेथड को लेक्चर कम डिमोन्स्ट्रेशन मेथड भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जब हम जाते हैं क्लास में गए, कुछ मटेरियल्स वगैरह लेके गए, वहाँ पर जो भी हम पढ़ाने वाले हैं उसको थोड़ा सा करके दिखलाए, जो पढ़ाए वो करके दिखलाए कि ऐसे 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 को करना है, ये करने से ये होता है, ये करने से ये होता है। तो मतलब वहाँ पर सारा चीज लेके गए, जैसे जैसे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का हम एग्जांपल देते हैं, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का हम क्लास में पढ़ाते हैं, उसमें क्या होता है कि एक बल्सम प्लांट है, बल्सम को बल्सम के प्लांट या कोई भी आप प्लांट जो सफ़ेद कलर का होता हो जिसमें कि पानी अंदर से कुछ नज़र आए, लेके गए क्लास में, एक जार लिए, उसमें इंक डाल दिए या नील डाल दिए, जो भी वहाँ पर अवेलेबल हो इजीली उसमें डाल दिए, उसमें वो प्लांट को डाल दिए। कुछ देर के बाद हम क्या देखते हैं, वो पानी जब वो ट्रांसपायर होगा ऊपर पानी जाता है, और पानी जाता है तो वो लाल कलर का हो जाएगा अगर लाल रंग डाले हुए हैं तो, अगर नीला कलर डाले हुए हैं मतलब अगर नील डाले हुए हैं तो उसमें ऊपर चला जाता है। तो ये स्टूडेंट थोड़ा अट्रैक्ट होकर देखता है, ये हो क्या रहा है, कुछ तो बात है। तो वो स्टूडेंट वहाँ पर अट्रैक्ट होकर देख रहा है, थोड़ा कंसंट्रेट है, तो ये दिखलाए, उसके बाद पढ़ाए कि इसमें ऐसा ऐसा हुआ, ये सब प्रोसेस चला। तो यहाँ पर क्या हुआ, लेक्चर दिए प्लस साथ में थोड़ा डिमोन्स्ट्रेट भी किए, ये भी है टीचर सेंटर्ड, यहाँ पर सारा का सारा चीज़ टीचर के द्वारा कंट्रोल हो रहा है, बट स्टूडेंट थोड़ा अट्रैक्टेड है, थोड़ा अटेंटिव है, थोड़ा कंसंट्रेशन है, तो वहाँ पर थोड़ा सा वो सीख रहा है लेक्चर कम डिमोन्स्ट्रेशन मेथड में। अब लेकिन अगर लेक्चर कम डिमोन्स्ट्रेशन मेथड को अप्लाई करते हैं तो अब इसमें कुछ स्टेप्स लेना पड़ जाएगा हम लोगों को, मतलब डायरेक्ट लेक्चर कम डिमोन्स्ट्रेशन मेथड नहीं कर पाएंगे। क्या स्टेप्स होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्लानिंग करना पड़ेगा, इसी को एग्जांपल को ले लेते हैं, बल्सम प्लांट का ही अगर हम ले लेते हैं, प्लानिंग करना पड़ेगा कि भाई हम इसको कैसे पढ़ाएंगे, पौधा को लेके जाना है, मतलब पौधा चाहिए, साथ में जार चाहिए, नील या इंक चाहिए। अब ऐसा नहीं कि क्लास का बेल बज गया, क्लास में चले गए, उसके बाद ये सब प्लानिंग करने लगा, ऐसा नहीं होगा। फिर क्या क्या बोलना है, कैसे बताना है, बोर्ड पर क्या लिखना है, स्टूडेंट को क्या नोट करवाना है, ये सब का सब पहले प्लानिंग करना पड़ेगा। सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा, इंट्रोडक्शन। जब हम गए तो फर्स्ट ऑफ ऑल गए धरा धर करने लगे तो क्या सीखेगा स्टूडेंट, सब तो सोचते रहेगा हो क्या रहा है। वहाँ पर पहले बताना पड़ेगा कि हम इस डिजाइन का चीज़ करने वाले हैं, कुछ नया चीज़ होने वाला है, इस ढंग से एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर वगैरह वगैरह जो भी है आपको फल, उसके बाद मतलब पहले प्लानिंग किए फिर इंट्रोडक्शन दिए, उसके बाद आपको डिमोन्स्ट्रेशन करना है, करके दिखलाना है। अब प्लानिंग भी हो गया है, इंट्रोडक्शन भी, अब डिमोन्स्ट्रेट जो करेंगे तो वहाँ पर क्या होता है कि हम कुछ स्टूडेंट को साथ में लेंगे, प्लानिंग पहले किए हैं थोड़ा उसका, उसके ऊपर रिहर्सल पहले कर लिए हैं प्लानिंग के टाइम में ही, ताकि हमसे कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि उसके ऊपर प्रोफिशिएंसी लाना होगा हमें, प्रोफिशिएंसी आ गया, अब स्टूडेंट लोग का कुछ का हेल्प लेंगे, इससे क्या होगा कि स्टूडेंट उसके तरफ अट्रैक्टेड रहेगा, कंसंट्रेटेड रहेगा, और दूसरा स्टूडेंट भी थोड़ा ध्यान देगा डिमोन्स्ट्रेशन में। उसके बाद क्या है, चॉक बोर्ड को भी यूज करना है, जो उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जो इम्पोर्टेंट उसका ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव हम लिखेंगे, इम्पोर्टेंट उसमें क्या लर्न किए ये लिखेंगे, कंक्लूजन हुआ है क्या हम ये लिखेंगे। सॉरी फोन आ गया, किसी स्टूडेंट का ही होगा, या हो सकता है सिद्दकी, कोई सिद्दकी है, अगर आप वीडियो देखिएगा तो देख लीजिएगा, आप ही का फ़ोन है, आप डिस्टर्ब किए हैं, सी आप बाद में फ़ोन कर लीजिएगा। मैं बता रहा था लेक्चर कम डिमोन्स्ट्रेशन मेथड, अब क्या है कि यहाँ पर थोड़ा अट्रैक्टेड रहेगा, चॉक बोर्ड को यूज करना है और साथ में स्टूडेंट को नोट भी करवाना है, तो इससे क्या होगा, सॉरी अब हम लोग चॉक बोर्ड का भी यूज करेंगे या जो भी हो, आप लोग सोच लेंगे आपके यहाँ तो मार्कर बोर्ड है क्या करें, मार्कर बोर्ड का यूज कीजिए लिखाना है, मतलब बोर्ड को यूज करना है, चाहे व्हाइट बोर्ड हो चाहे ब्लैक बोर्ड हो यूज करना है, यूज करके स्टूडेंट को भी थोड़ा लिखवाए, ताकि उसको नोट्स भी मिल जाएगा, आगे चल के फ्यूचर में अगर उसको पढ़ना होगा रिवीजन भी करने का उसको मटेरियल मिल जाएगा, तो इस ढंग का चीज़ उसके ऊपर मिल जाएगा। तो ये अगला स्टेप हो गया, उसके आगे कंसेप्ट कंपाइलेशन, हम इसी का देख लेते हैं। एब्जॉर्प्शन वाटर, पानी एब्जॉर्ब हुआ, ये जो
कलरफुल पानी ऊपर गया, इसे प्रूफ हुआ कि पानी ऊपर गया, मतलब एब्जॉर्ब होता है नीचे से, पानी ऊपर मूव करता है, एक कंटिन्यूस लेयर पानी का फॉर्मेशन होता है और ऊपर जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि ऊपर से पानी रिलीज भी होता है ट्रांसपिरेशन के द्वारा। ये एक उसका कॉन्सेप्ट हुआ और ये कॉन्सेप्ट को लास्ट में हम लोग कंपाइल करेंगे। अब देखते हैं इससे क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से मतलब इसका यूजफुल क्या क्या है। स्टूडेंट कंसंट्रेटेड रहेगा, स्टूडेंट को लर्निंग अच्छा खासा होगा, ये टाइम सेविंग भी है, एक्सपेरिमेंट सिर्फ टीचर के द्वारा किया जा रहा है, मतलब ये इकोनॉमिक भी है और टाइम भी सेव हो रहा है, एक कम टाइम में ज़्यादा हम मटेरियल भी दे रहे हैं और टिकाऊ दे रहे हैं, लंबा समय तक चलने वाला, कम टाइम में ज़्यादा मटेरियल दे दिए, ज़्यादा सिखा दिए और स्टूडेंट के लिए कुछ नया हुआ, स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट भी किया, उसको नोट्स भी मिल गया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का, मतलब वो फ्यूचर में रिवाइज भी करने के लिए उसको मटेरियल मिल गया, हर चीज हो गया, ये उसका यूजफुलनेस है, मतलब करेक्टरिस्टिक्स। अब आते हैं इसी का इंस्ट्रक्टिव मेथड में थर्ड आते हैं, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। हो सकता है आप लोगों में से कोई मैथ के टीचर होंगे या मैथ के टीचर अगर नहीं भी हैं तो आपके आसपास में या आपके साथ के जो पढ़ाने वाले हैं आप उनसे भी बात कर सकते हैं। आप उनसे पूछिए वो जब फॉर्मूला वगैरह पढ़ाते हैं तो कैसे पढ़ाते हैं, उसका तो कुछ तो सिस्टम होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी चला गया इसलिए थोड़ा क्वालिटी अप डाउन होगा, फार्मूला वगैरह वो कैसे पढ़ाते हैं। चलिए मिस्टर है T4 तक हो गया ना, अब T5 T6, मिस्टर T5 पढ़ा रहे हैं आइसोस्केल ट्रायंगल के बारे में। तो आइसोस्केल ट्रायंगल के बारे में अब स्टूडेंट को अलग अलग ट्रायंगल दे दिए, मतलब पहले A=B=6 cm, A=B=, मतलब AB=BC=8 cm, AB=AC=, ऐसे करके 3-4 ट्रायंगल दे दिए, उसके बाद उसको बनाने के लिए दिए, अब उसका एंगल नापने के लिए दिए सभी का। तो हमें क्या पता चला कि अगर स्टूडेंट खुद किया फिर पता चला कि आइसोस्केल ट्रायंगल मतलब वैसा, अगर दोनों साइड ऐसा ट्रायंगल जिसका कि दो साइड बराबर है तो उसका अपोजिट एंगल भी बराबर होता है, तो ये फॉर्मूला बन गया। इस तरह का पहले क्या था, जनरल कंडीशन दिए, सॉरी स्पेशल कंडीशन दिए, एक ट्रायंगल दिए, एक एक ट्रायंगल दिए बनाया, सबका आया स्पेशल स्पेशल केस आया और सबको मिला के एक फॉर्मूला का क्रिएट हुआ, इफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल देन देयर अपोजिट एंगल्स विल बी ऑल्सो इक्वल हुआ। तो अब स्पेशल पे गए, मतलब स्पेशल से जनरल पे गए, अब फॉर्मूला जनरलाइज्ड हो गया कि ये फॉर्मूला कहीं पर भी लगेगा तो ऐसा ही होगा। तो यहाँ पर स्पेशल से जनरल की ओर गए, इसलिए इस तरह के प्रोसेस को कहते हैं इंडक्टिव मेथड। इसका जस्ट अपोजिट अब जो T5 पढ़ाने वाले हैं वो क्या किया, पहले फॉर्मूला बता दिए कि अगर साइड बराबर होगा, अगर साइड बराबर होगा तो उसका अपोजिट एंगल बराबर होगा, पहले फॉर्मूला दे दिए, अब उसको बनाने के लिए दिए अलग अलग सैंपल, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा आप देख लीजिए उसे, या आपके नोट्स में भी ये दिया हुआ है आप वहाँ से भी देख लीजिएगा। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, पहले फॉर्मूला बताए, फॉर्मूला समझाए, उसके बाद उसको जनरलाइज्ड किए, सॉरी स्पेशलाइज्ड किए, मतलब फॉर्मूला हो गया जनरलाइज्ड उसके बाद स्पेशलाइज्ड। तो इसको कहते हैं, इस तरह के मेथड को कहते हैं डिडक्टिव मेथड। तो आज तक के लिए यहीं तक इंस्ट्रक्शनल मेथड ही, अब अगला वीडियो में जब हम आएंगे तो वहाँ पर स्टूडेंट सेंटर मेथड में आएंगे। तो आपको बता दूं कि आज मतलब आप जिसमें अभी आप वीडियो को देखिएगा तो आज ही रात में 10 बजे के आसपास, सॉरी 10 बजे नहीं, 10 बजे मेरा सोने का टाइम हो जाता है, 9 बजे हम लोग ऑनलाइन होंगे। इसके ऊपर अगर इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन है या और कोई दूसरी चीज़ में भी आपको कन्फ्यूजन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं डायरेक्टली, मैं ऑनलाइन होने वाला हूँ यूट्यूब के ऊपर, और इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। Thank you.